सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में दो बाइक सवारों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। हालांकि वो लोग कौन थे इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 2024 से लेकर अब तक कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 1998 के केस को याद दिलाते हुए आपको बता दें कि काले हिरण के शिकार मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने बिश्नोई समाज का हवाला देते हुए ये कहा था कि वो सलमान खान को जान से मार देगा। सलमान खान ने जिस तरह से काले हिरण का शिकार किया था उससे बिश्नोई समाज में खासा नाराजगी है। लेकिन अभी इसके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि क्या जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई ने ही सलमान खान पर ये हमला कराया है या फिर नहीं। वहीं सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच एक्टर के घर पर जांच करने के लिए पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये जानकारी खुद अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह बाइक पर हेलमेट पहने दो अज्ञात शख्स आए थे और उन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ कम से कम 4 गोलियां चलाकर फरार हो गए। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इस घटना के दौरान सलमान खान घर पर थे या नहीं। दो लोग बाइक पर आए थे अराउंड सुबह 5 बजे और वो हवा में फायरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहां से वो भागे, तो हमने उसके हिसाब से एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कितनी राउंड टोटल फायरिंग की गई और क्या कुछ बरामद? वहां 4-5 राउंड फायर हुए थे, हवा में फायरिंग की गई थी और उसके हिसाब से खाली केसेस मिले हैं और फॉरेंसिक टीम्स हमारी सब है और हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें कुल कितनी टीम तो बनाई गई, क्या अपडेट है सर? हमारी 15 से ज्यादा टीम्स बनी है और हम आरोपी को जल्दी ढूंढेंगे, उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या कुछ पता चल पाया कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या बुलेट थे? जी फिलहाल आरोपी अभी तक नहीं मिले हैं, हमारी टीम्स लगी हुई है, जब वो मिलेंगे तब हम बता सकते। इस पूरी वारदात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।